उत्तर प्रदेश के कुंदर की विधानसभा के उपचुनाव के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट में AIMIM के प्रत्याशी हाफिज वारिस ने जिला मजिस्ट्रेट के यहां अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने तुर्क प्रत्याशी हाफिज वारिस पर फिर से भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। हाफिज वारिस लंबे समय से ओवैसी की पार्टी से जुड़े हैं। 2022 में उन्होंने AIMIM के टिकट पर कुंदर की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस समय ओवैसी के प्रत्याशी हाफिज वारिस को 14,251 वोट मिले थे और वे हार गए थे। हाफिज मोहम्मद वारिस कुंदर की थाना क्षेत्र के गांव जेदवाड़ा के रहने वाले हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी उनके लिए 3 बार चुनाव प्रचार करने आए थे। जी, आज आपके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, किस पार्टी से? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नामांकन किया है। क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं? मुद्दे हमारे जो लीडर हैं वो हमेशा गरीबों मजलूमों की सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, वही मुद्दे हमारे पास रहेंगे। और इसके अलावा जो है, जो असल मुद्दे हैं वो यही हैं कि हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, वो कहीं किसी पर जुल्म होता वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। कुंदर की विधानसभा क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं, आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं? हमारे क्षेत्र की मुख्य समस्याएं जो है पिछले इलेक्शन में जो है एक ऐसी हवा, एक माहौल बना दिया था कि सरकार जो है वो अखिलेश जी की बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। इसलिए पिछले इलेक्शन में हमें जो है इतना वोट हासिल नहीं हुआ था, लिहाजा इस साल जो है ऐसा कुछ नहीं है, ना ही किसी की सरकार बन रही इस इलेक्शन से, ना ही किसी की बिगड़ रही। इसलिए हमें जो है इस साल जो है हम जीत की कंडीशन में हैं, इंशाल्लाह हम चुनाव जीतेंगे। उपचुनाव में आप अपनी जीत निश्चित मान रहे हैं? इंशाल्लाह। क्षेत्रीय मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रीय मतदाताओं से यही अपील है कि वो हमेशा सच्चाई का, ईमानदारी का वो साथ दें में, और जो है हमेशा जो गरीब व मजलूमों की आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को बुलंद करें।